मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चीन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चीन के उत्पाद पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व जानता है कि चाइना कभी भारत का नहीं हुआ है और सांप को दूध पिलाने से जहर बढ़ता ही है। मुख्यमंत्री रावत ने नए साल में अपने क्षेत्रवासियों को करोड़ों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने भानियावाला के डोईवाला क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली 90 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आयोजित महिला कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है। पौड़ी श्रीनगर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रकाश पांडे की मौत पर कहा है कि एक तरफ जहां सरकार अपने प्रशासनिक अधिकारियों से मृतक के परिवार को मुआवजा देने की घोषणा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अपने बयान से पलट जाते हैं। ऊधम सिंह नगर में एसटीएफ कुमाऊ और पुल भट्टा थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दो हथियार तस्करों को 315 बोर के 8 कंट्री मेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।